लक्की जनपद के मुख्यालय गन्ना दफ्तर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बगल मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है पीड़ित आए हुए हैं, उनकी थाने में नहीं सुनी गई, तो आए हैं पुलिस से मुलाकात करने की एप्लीकेशन देने के लिए। तो मैं जानकारी करना चाहता हूँ कि क्या मामले और किस लिए जो है धार्मिक कार्यवाही नहीं हुई, तो यहाँ पर आना पड़े लोगों को। तो सबसे पहले आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शंकर रावत है। शंकर रावत है, आप कहाँ के निवासी हो? ग्राम उठावा के। अच्छा, थाना कौन सा लगता है? दरियाबाग। तो क्या समस्या है जो आपको थाने में नहीं सुनवाई हुई, तो आपको पुलिस से कार्यालय में पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाना पड़ा, क्या मामला है? सर, हमारा ऐसा मैटर है कि जो है वहाँ हमने सीओ साहब के पहले गए दरियाबाग थाने, वहाँ हमने एप्लीकेशन दिया और एप्लीकेशन दे के वहाँ से बड़े साहब ने बोला कि आपको कप्तान सीओ साहब के पास जाना पड़ेगा। सीओ साहब के पास गए, सीओ साहब ने तुरंत फ़ोन किया दरियाबाग थाने को, और दरियाबाग थाने से जब हमने साहब से मुलाकात की तो साहब बोले आज ठीक है, कल आना तुमको। कल वहाँ जाकर जब मुलाकात की तो सीओ साहब बड़े साहब ने बोला कि जो है वो आज शादी है, समारोह चल रहा है, और आपके यहाँ जो समय मिल जाएगा तो हम आ जाएंगे 4 बजे तक, और नहीं फिर हम सुबह आएंगे। सुबह जब उन्होंने पहुँचा हमारे घर, सब लोग पहुँचे वहाँ पर, जाकर जानकारी किया, पास पड़ोस में पूछा जाँचा, सब लोग ने बताया कि हाँ यहाँ पर मारपीट हुआ है और हमने फड़ाया है। और उसके बाद थाने बुलाए हैं, थाने बुलाकर हम और दोनों पक्षों आदमी को बुलाकर वहाँ ने पूछा कि क्या मैटर है, तो अपनी समस्या बताए, हम अपनी समस्या बताएँ। वहाँ से हमको बड़े साहब दरियाबाद थाने से भेज दिए, वहाँ से चले आए हम घर। उसके बाद दूसरे दिन बोले कि वो पक्ष के आदमी आएंगे, आप लोग को नहीं आना है, तो हम चले आए घर। वो लोग पहुँचे या ना पहुँचे हमको नहीं जानकारी है। फिर हमने बोला कि जो नहीं, आपके साथ किन लोगों ने मारपीट किया? मदन लाल, राम अवतार, हरिहर और रंजीत। ये कौन बरादरी के लोग हैं? रावत हैं, यादव हैं। यादव हैं, आप लोग रावत हो? यादव हैं, हम रावत हैं। अच्छा, तो मारपीट किया क्या, गाली गुप्तारी भी दिया था कुछ है? गाली गुप्तारी दिया है और डंडा लाठी लेकर आए हैं, और उसका वीडियो हमारे पास भी है, हमारे मोबाइल में। अच्छा, हाँ। तो बहन जी, आप बताइए आपका काम क्या है? इनको मारने लगे तो हम छुड़ाने गए, तो मेरा गला पकड़ के ब्लाउज फाड़ दिया। अच्छा, आपका भी क्या, बताइए नाम क्या है? प्रीति। आप कहाँ के निवासी हो? उठवा। अच्छा, गरियाबा था उठवा, आप भी निवासी हैं। हाँ। तो मारपीट हुआ तो जो थाने गई, थाने में क्या बताया गया? थाने में बताया गया कि सीओ साहब के यहाँ जाना है। हाँ। तो सीओ साहब यहाँ गई थी तो वहाँ उन्होंने क्या किया था? वो तो दरियाबाद को फोन कर दिए। तो जबकि आपके FIR दर्ज, फोन कर दिया था। हाँ। अच्छा, तो अभी FIR की दर्ज नहीं हुई है? तो आज जब आप पुलिस अधीक्षक से मुलाकात किया है, तो पुलिस अधीक्षक ने क्या आश्वासन दिया है आपको? आश्वासन दिया, एप्लीकेशन दर्ज कर लिया है। अच्छा, एप्लीकेशन दे लिया है, एप्लीकेशन यहाँ दर्ज कर दिया है, और जो है उन्होंने बोला है कि जो है 2-3 दिन समय देख लीजिए और हम आपकी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मामला ये है कि 21 तारीख को सुबह है 8 बजे इनके साथ इनके घर पर जाकर के जो है कुछ दबंग प्रकृति के आदमी जो यादव बिरादर के हैं मारपीट किया, जासूस शब्दों को गाली दी है, गाली को दी है, जासूस प्रयोग करते हुए ये लोग 21 तारीख को थाने दरियाबाद जाते हैं। वहाँ पर दरोगा साहब जो है वो कहते हैं कि आपको हर जिले का मामला, लिहाजा जो है रामसरी घाट सीओ साहब के यहाँ जाना पड़ेगा। ये लोग 22 तारीख को रामलला का प्रोग्राम था, बंदी का था, तो 23 तारीख के लोग जो है रामसरी घाट सीओ साहब के पास जाते हैं। सीओ साहब फोन से SO दरियाबाद को इंगित करते हैं कि हाँ, इनके FIR दर्ज करिए, और अप्लीकेशन लेते हैं, अप्लीकेशन पर भी जो है भेज देते हैं। लेकिन आज 27 तारीख है, करीब करीब 6-7 दिन हो गए, लेकिन अभी FIR दर्ज नहीं हुई है। पीड़ित थक हार करके पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाने आए हैं। अब देखना यही है कि पीड़ित पुलिस अधीक्षक से मुलाकात किया है, CO से भी मुलाकात किया है, SO से भी मुलाकात करने गए हैं, लेकिन अभी FIR दर्ज नहीं है। अब देखना यही है कि घटना के 7 दिन बीतने पर लेकिन FIR दर्ज नहीं हो रही है। तो अब जो तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक दिनेश जी हैं, अब देखना यही कि इनके एक्शन लेने से कब सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा, या पीड़ित को इसी तरीके से जो है इन ठंडी रातों में, शरद ऋतु में जो है बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे पुलिस के कार्यालय के, थाने के, CO के, कि इनकी FIR दर्ज होती है, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हमारी पुलिस 0 टॉलरेंस काम करती है, सख्त काम करती है, लेकिन यहाँ पर उनके सख्ती का कोई असर दिखाई नहीं। अरे शर्मा के साथ 12 अंक।